The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ के सरधना में रविवार रात बीमार भतीजे को दवाई दिलाकर आ रही दो सगी बहनों से रास्ते में दूसरे समुदाय के युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। शोर मचाने पर लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गए। सूचना पर सृजन और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अर्जुन सिंह राणा, प्रियंक आत्रेय, हरीश सैनी, हितेश शर्मा, अतुल कश्यप, प्रियांशु उपाध्याय आदि थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद थाने के प्रांगण में धरना देकर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक थाने में हंगामा होता रहा। मुकदमा दर्ज करते हुए थाने से किसी तरह धरना खत्म कराया गया। देखिए धरने पर बैठे लोगों की हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कुछ तस्वीरें। बता दें, तीन आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मिनट के अंदर अंदर ये पकड़ा जाना चाहिए जिसने इसने बताया कि मेरी फूफो का लड़का है। वहां से जब इसने बता दिया कि मेरी फूफो का लड़का है और वहीं रहता है रामतलिया पे, तो फिर क्यों नहीं उठाया जा रहा उसे? ऐसा किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी की भी बहन बेटी हो, वो नहीं बर्दाश्त करा जाएगा। ये योगी सरकार है, लेकिन ये है कि किसी के साथ भी ये वो नहीं करा जाएगा बर्दाश्त के कोई भी किसी की बहन बेटी के साथ इस तरीके की हरकतें करे। ठीक है, क्या मामला हुआ? देख जी, ऐसा हुआ जी, एक महिला थी हमारी यहाँ धर्मपुरा मोहल्ले की, और ये वहां से जा रही थी, इनकी छाती पे हाथ मारा गया और उन्होंने छाती पे हाथ मारने के बावजूद भी वो वहां से फरार हो गए। जब लोगों ने पकड़ा तो वो फरार हो चुके, लेकिन फरार होने के बाद भी ये एक उनका उठा लिया इन्होंने, वो इनके परिवार से ही है। उसके बावजूद भी वो बता रहा है कि जी मेरी सगी फूफो का लड़का है और वो वहाँ रहता है, घर परिवार का एड्रेस बता दिया, वो अभी तक उठाया नहीं गया। क्यों नहीं उठाया गया? मतलब यही होगा हिंदू बेटियों के साथ, यही चीजें होंगी क्या? अभी थाने से पुलिस से क्या आश्वासन मिला? अभी थाने से हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात होगी, वो कह रहे हैं हम आगे की कार्यवाही करेंगे, हम देखते हैं, अगर मुझसे संतुष्ट नहीं हुए तो हम आगे की कार्यवाही करेंगे। जब तक हम जाने के नहीं, जब तक आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी। देखिए एसपी देहात केशव कुमार से मिली जानकारी। क्या पूरा मामला है और क्या सर वहाँ पे धरना प्रदर्शन अब भी जारी है? थाना क्षेत्र सरधना में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में 354 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी जो दो व्यक्ति हैं जिनके नाम प्रकाश में आए हैं उनकी भी लोकेशन वगैरह ट्रेस हो गई है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर क्या पूरा मामला हुआ था, ये क्या कौन लोग हैं जिन पर आरोप है? देखिए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और अगल बगल के लोगों के 161 CRPC के बयान के दौरान उनके नाम प्रकाश में आए थे, उनमें से एक की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी दो की विषय भी कर ली। एक अफवाह ये भी उठ रही है कि धरना प्रदर्शन हुआ और वहाँ पे हनुमान चालीसा और कुछ और नारे भी लगे सर। देखिए इसमें कुछ जो समाज लोग ही थे वो अपनी बात कहने के लिए थाने पे आए थे निश्चित रूप से, और तत्काल मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी जो हनुमान चालीसा वाली बात है, कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभी, कोई वीडियो इस तरह का तो मतलब संज्ञान में नहीं आया, इसलिए इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई। लड़कियां बालिंग है सर ना बालिंग? लड़कियां जो हैं उनका बालिंग है अभी तक के हिसाब से जो एविडेंस मिला है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।